बड़ी बड़ी ब्रांड मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। आज हम आपको आवाज के गूढ़ रहस्यों को बताएंगे जिसके द्वारा एक सिंगर, स्पीकर, टीचर आदि महान हस्तियों ने, आप उदाहरण के लिए लीजिए एक लीडर अपना मुकाम कैसे हासिल करता है। मेरा रिसर्च साउंड एनर्जी पर चल रहा है। मेडिकल में साउंड एनर्जी का क्या रोल है, मैं उसी पर रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे जैसे जैसे रिसर्च के दौरान जो मिल रहा है मैं आपको शेयर करते जा रहा हूँ। आप ध्यान से इसे सुने और लाभ उठाएं। ध्वनि या आवाज दो रूपों में व्यवहारिक रूप में हमें आगे बढ़ने में, हमारे जीवन में बदलाव लाने में प्रभाव डालती है। एक रोल पॉजिटिव है और उसका दूसरा रोल निगेटिव है। पॉजिटिव रोल में जैसे हम सिंगिंग करते हैं, स्पीच देते हैं, तो सिंगिंग कर रहे हैं तो सिंगिंग के दौरान हमारी आवाज़ बहुत मीठी है, या हम कुछ ऐसा सिंगिंग कर रहे हैं जिससे लोग लालायित हो रहे हैं, हमारी आवाज़ सुनने को प्रयासरत रहते हैं, हमें पूछते हैं, तो ये पॉजिटिव रोल होता है। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए जैसे लता जी हैं, लता जी का आप गाना सुने होंगे, सुनते होंगे, सुन रहे होंगे, या और बड़े बड़े सिंगर का गाना सुनते हैं, तो उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है और उनको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, उनको देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। उसी तरह से बड़े बड़े एक्टर के डायलॉग हैं या बड़े बड़े लीडर के स्पीच हैं जिसको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो निगेटिव रोल है उस पर आप जरा गौर कीजिए। कोई भी जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है या जिसको नॉलेज नहीं है, वो अपने साउंड एनर्जी का यूज या अपने वॉयस का यूज जब गलत तरीके से करता है, निगेटिव रूप में करता है, किसी को गालियां देता है, अभद्र बातें करता है, तो उसका प्रोग्रेस रुक जाता है, वह लड़ाई झगड़े में फंस जाता है और उसका प्रोग्रेस हर तरीके से, मतलब उसके कदम कदम पे रेजिस्टेंस आ जाता है और वह आगे नहीं बढ़ पाता है। कभी कभी नौबत ऐसी आती है कि उसकी पिटाई भी हो जाती है। तो हमारा प्रयास यह है कि हर इंसान, हर व्यक्ति अपने वॉयस का यूज, अपने ध्वनि का, ध्वनि की ऊर्जा का यूज सही सही तरीके से करे, सही मायने में करे, सही दिशा में करे, जिससे वह अपने मुकाम को हासिल करे और अपने सपनों को पूरा करे। साउंड या वॉयस के निगेटिव रोल में ना जाए,
अगर वॉयस के निगेटिव रूप में जाता है तो आपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। अब हम साउंड के बारे में विज्ञान क्या कहता है उसको थोड़ा बताएंगे। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचरित होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं हो सकता। द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल लॉन्गिट्यूडिनल वेव के रूप में चलती है, जबकि ठोस में यह ट्रांसवर्स वेव के रूप में संचरण करती है। सामान्य ताप एवं दाब पर ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकेंड होता है। ह्यूमन ईयर मतलब मानव का कान 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ह्यूमन ईयर ध्वनि को सुन सकता है। इससे कम या इससे कम ज्यादा मानव का कान ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता है। अब हम छोटे छोटे जो इसमें ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इसके डेफिनेशन को आगे बताएंगे और साउंड के बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।